इस रिजल्ट का सबसे ज्यादा इंतजार था अभ्यर्थियों का। जी हाँ, वो जारी हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लेखपाल पटवारी का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 8 जून 2023 एवं दिनांक 15 जून 2023 को अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा सूची निर्गत की गई। तत्पश्चात अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता कंप्लीट किए हुए तमाम अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में निम्नवत जिलेवार यहां पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट जारी की है। आप देख सकते पहले अल्मोड़ा, यहां पर आप देख सकते कैंडिडेट का नाम ओबीसी, और यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट यहाँ पर उन्होंने जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और यहाँ पर हम जो है अभी जो है कट ऑफ भी देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जहां जहां वैकेंसीज आई थी यहां पर उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्मित की गई है, मतलब जो ये मेरिट लिस्ट है जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण विनियावली 2022 के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये पूरा चीज़ यहाँ पर फार्मूला। उसके अलावा अल्मोड़ा जिले में अनारक्षित जो है अनाज श्रेणी का पटवारी का एक पद अस्थगित रखा गया है। इस क्रम में अभ्यर्थियों की प्रस्तुति के आधार पर बाद में यहाँ पर अवलोकन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिस्ट है सारी, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कट ऑफ की ओर और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कट ऑफ कहाँ पर कितनी रही। आप देख सकते हैं ये जो है कट ऑफ है यहाँ पर, ये है अल्मोड़ा जिले की, जहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी की जो है कट ऑफ ये 74.99 है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति की 68, इस तरह से ओबीसी की 71 गई हुई है। ठीक है, बागेश्वर की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट गई हुई है 75 के आसपास, चमोली की 74, उसी तरह चंपावत की 76 यहाँ पर आप देख सकते हैं, देहरादून की 76 और यहाँ पर नैनीताल 77 जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक नैनीताल की सबसे हाईएस्ट गई है। उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की 74, पिथौरागढ़ की 74, यहां पर रुद्रप्रयाग की भी 77, इस तरह से टेहरी की 76, इस तरह से उत्तरकाशी की भी 77 गई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंपावत की जो है लेखपाल की 80 कट ऑफ गई है, देहरादून की 77, इस तरह से आप देख सकते हैं हरिद्वार की 76, नैनीताल की 76, इस तरह से उधम सिंह नगर की 76, और ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है हमारी टीम की ओर से सभी को शुभकामनाएँ, बाकी आपका भविष्य उज्जवल है। जिनका नहीं हो पाया वो जो है निराश ना हो, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे मौके बाकी हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।